Let me continue with the first length measuring instrument, that is vernier calipers. As I told you, the ruler or the measuring tape, they have got least count of 1 millimeter. They can't measure more accuracy than 1 millimeter. 1 millimeter से छोटी यदि कोई लेंथ है तो उसको वहां accurately measure नहीं कर सकता. Moreover, with the usage of that measuring tape or the metric scale, we can measure length, and its usage is very specific. If we wish to measure internal diameter, if we wish to measure depth, we can't measure it. The beauty of vernier caliper, this particular instrument, is we can measure length, diameter, internal diameter, and as well as internal depth. We could measure even internal diameter and internal depth. Internal diameter and internal depth. This is the beauty of vernier caliper. किस तरह से करेंगे मैं वह चीज दिखाता हूं, समझाता हूं. वर्नियर कैलिपर का कुछ डिजाइन इस तरह से है कि आप जो लेंथ मेजर करना चाहते हैं, जैसे मैं इस मार्कर की ही बात करूं तो इस मार्कर की लेंथ तो आसानी से मेजर कर ही सकेंगे. स्केल के द्वारा भी इसकी लेंथ मेजर कर पा रहे हैं, बट स्केल के साथ क्या समस्या है कि 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है, 1 मिलीमीटर से ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर नहीं हो पा रहा है. वर्नियर कैलिपर से हम इसके कैप की लेंथ, इसके कैप का इंटरनल डायमीटर, इस मार्कर का एक्सटर्नल डायमीटर और इसके कैप की इंटरनल डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्नियर कैलिपर. मोर ओवर, द लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर. द लीस्ट काउंट is 0.1 millimeter. Generally, in most of the vernier caliper, there is a least count. Means we could measure the minimum length of 0.1 millimeter accurately by usage of this vernier caliper. We have got few special vernier calipers through which we could measure up to 0.05 millimeter as well. This is 1/10 millimeter, and we can design special vernier caliper. कुछ special vernier calipers इस तरह के भी हैं जिसमें least count 1/20 millimeter भी हो सकता है, means 0.05 millimeter भी हो सकता है. अब खास बात हमें यही समझना है कि किस तरह से वर्नियर कैलिपर 1/10 मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर पाता है. हम सबसे पहले इसके डिजाइन को समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, और यह समझेंगे कि किस तरह से हम इंटरनल डायमीटर और डेप्थ भी मेजर कर पाते हैं, और फिर हम इसके प्रिंसिपल में जाएंगे और उस प्रिंसिपल को समझ के इस बात को समझने की कोशिश करेंगे दैट हाउ द लीस्ट काउंट इज 1/10 मिलीमीटर, हाउ कुड वी मेजर एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर बाय यूजिंग दिस डिवाइस कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स. देखिए, मैं
वर्नियर कैलिपर किस तरह का दिखता है उसको बोर्ड पर बनाने की कोशिश करता हूं, और देयर इज अ स्टील स्ट्रिप स्टील बार है, स्टील स्ट्रिप है इस तरह की, एंड ऑन दिस स्टील स्ट्रिप वी हैव गॉट लोअर जॉ एंड अपर जॉ फिक्स्ड, लोअर जॉ एंड फिक्स्ड अपर जॉ, इस तरह की एक स्टील बार है, गड़बड़ी बना दी मैंने, इस तरफ यह एक फिक्स्ड स्टील बार है, स्टील स्ट्रिप है जिसमें मैंने एक लोअर जॉ बनाया है और एक अपर जॉ बनाया है, दिस टू आर द फिक्स्ड जॉ, एंड ऑन दिस स्टील बार वी हैव गॉट अ मूवेबल स्ट्रिप ऑन विच वी हैव गॉट टू मूवेबल जॉ, लोअर वन इज लोअर मूवेबल जॉ एंड अपर मूवेबल जॉ, कुछ इस तरीके से मैं मूवेबल जॉ बनाता हूं। आई चेंज द कलर लाइक दिस, दिस इज अ मूवेबल जॉ, दिस इज अ मूवेबल जॉ, इट मे स्लाइड ओवर दिस स्ट्रिप, यह इस स्ट्रिप के ऊपर स्लाइड कर सकता है, एंड दिस मूवेबल जॉ इज ऑल्सो attached with a strip like this. कुछ इस तरह का डिजाइन है, जरा ध्यान से देखें, दिस आर द दिस इज अ फिक्स्ड स्टील स्ट्रिप, इट्स ग्रेजुएटेड विद अ स्केल, वील कॉल इट मेन स्केल, इट हैव गॉट फिक्स्ड जॉ, फिक्स्ड लोअर जॉ एंड फिक्स्ड अपर जॉ, वी हैव गॉट अ मूवेबल स्ट्रिप ऑन दिस फिक्स्ड स्ट्रिप, इस फिक्स्ड स्ट्रिप के ऊपर एक मूवेबल स्ट्रिप है, इधर इसको मूव करने के लिए देयर इज अ सिस्टम, इट मे स्लाइड ओवर दिस फिक्स्ड स्टील बार
दिस वी कॉल इट मूवेबल स्ट्रिप. ऑन दिस मूवेबल स्ट्रिप वी हैव गॉट टू मूवेबल जॉ, अ लोअर मूवेबल जॉ एंड अ अपर मूवेबल जॉ. एंड दिस मूवेबल स्ट्रिप इज ऑल्सो अटैच टू अ स्ट्रिप विच वी मे कॉल अ टेल. एंड ऑन दिस स्ट्रिप ऑल्सो वी हैव गॉट अ स्केल. इस मूवेबल स्ट्रिप के ऊपर भी एक स्केल होती है एंड वी कॉल इट वर्नियर स्केल. किस तरह की दिखती है वह भी मैं दिखाता हूं. इस मूवेबल स्ट्रिप के ऊपर इस तरीके से हॉलो स्पेस में एक स्केल ग्रेजुएटेड होती है. यह जो हॉलो स्पेस है इस स्पेस के थ्रू हमको मेन स्केल भी दिखती रहती है और वर्नियर स्केल भी दिखती रहती है. कुछ इस तरह का वर्नियर कैलिपर दिखता है. हमें जिस ऑब्जेक्ट का भी मेजरमेंट करना है, यदि हमें लेंथ मेजरमेंट करना है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोअर जॉ के बीच में ऐसे रख सकते हैं. यदि हमें इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट का हमें इंटरनल डायमीटर मेजर करना है उस ऑब्जेक्ट को हम अपर जॉ में कुछ इस तरीके से रख सकते हैं. लाइक दिस वी कैन मेजर इंटरनल डायमीटर. और यदि हमें किसी चीज की डेप्थ मेजर करना है तो उस डेप्थ को मेजर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को, जिसकी भी डेप्थ हमें मेजर करना है, उसे इस तरीके से रख देंगे. इस तरीके से हम डेप्थ मेजर कर पाएंगे. मैं इसी समय एक वर्नियर कैलिपर दिखाता हूं और आई हैव गॉट वर्नियर कैलिपर विथ मी. दिस छोटा है जरा, दिस आर वर्नियर कैलिपर्स. ऑब्जर्व दैट दिस आर द लोअर जॉ, दिस आर द अपर जॉ एंड दिस इज द टेल. एंड वी कैन मूव दिस आर द टू फिक्स्ड जॉ, अ लोअर फिक्स्ड जॉ, अपर फिक्स्ड जॉ. दिस आर मूवेबल जॉ, दिस में मूव ऑन द स्ट्रिप. लोअर मूवेबल जॉ, अपर मूवेबल जॉ एंड दिस इज दैट टेल अटैच्ड टू द स्ट्रिप. अब देखिए, यदि मुझे इस कैप का, यदि मुझे यह कैप है, मार्कर पेन का कैप, इसकी लेंथ मेजर करना है तो मैं इस तरीके से मेजर करूंगा. आई विल पुट द कैप बिटवीन द टू लोअर जॉ लाइक दिस एंड दिस वुड मेजर द लेंथ ऑफ द कैप. यदि मुझको इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, इंटरनल डायमीटर, तो इंटरनल डायमीटर के लिए मैं कैप को अपर जॉ के बीच में इस तरह से रख के उसको टाइट कर दूंगा. दिस वुड गिव मी द इंटरनल डायमीटर इस तरीके से. और यदि मुझे इस कैप की डेप्थ पता करनी है कि कितनी गहराई है,
मैंने लेंथ मेजर कर ली और डेप्थ मेजर कर ली तो शायद मुझको इसकी थिकनेस भी पता लग जाएगी कि इस मटेरियल की थिकनेस कितनी है। मैं डेप्थ यदि मेजर करना चाहता हूं तो देखिए डेप्थ मेजर करने का क्या तरीका होगा, हम टेल, जो टेल है इसे पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं और यह उसके लाइक राइट नाउ दिस इज द पोजिशन, नाउ आई विल मूव द जॉ सच दैट दिस स्टार्ट्स टचिंग, नाउ दिस इज, नाउ दिस इज द डेप्थ, लाइक दिस विल मेजर द डेप्थ। सी द डिजाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मनी वर्नियर कैलिपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट कुड मेजर लेंथ, इंटरनल डायमीटर एज वेल एज द इंटरनल डेप्थ। नाउ अब जो खास बात है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड हाउ इट कुड मेजर एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर, द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड हाउ इट कुड मेजर accurately up to 0.1 millimeter, how the least count is 0.1 millimeter, और वहां स्पेशल वर्नियर कैलिपर कैसे बनाएंगे जिसमें लीस्ट काउंट 1/20 मिलीमीटर भी हो सकता है या 0.05 मिलीमीटर भी हो सकता है। अब उसके लिए खास बात समझे, ये जो फिक्स्ड स्टील बार है, जो फिक्स्ड स्टील बार है मैं उसको इधर ड्रॉ कर देता हूं नीचे, फिक्स्ड स्टील बार, अच्छा एक बात और इधर मैं स्पेसिफाई कर दूं इससे बताने से पहले कि ये जो लोअर जॉ है इन लोअर जॉ के बीच में यदि इस दिस जॉ इज ए एंड दिस जॉ इज बी, ये लोअर जॉ, दिस अपर जॉ दिस इज पी, एंड दिस अपर जॉ इज क्यू, एंड दिस टेल, इस टेल पर इफ दिस पॉइंट इज आर एंड द एंड ऑफ अनदर एंड ऑफ टेल इज एस, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंस P, A and R are fixed point on the fixed rectangular strip. आप इस बात को देखें, P, A, P and R, A point A, point P and R are fixed on scale. A, P और R ये तीनों पॉइंट, ये जो फिक्स्ड स्केल है इन पर फिक्स्ड है, एंड B, Q एंड S ये जो तीन पॉइंट है B, Q and S are movable on movable strip. ये उस स्ट्रिप पर फिक्स्ड पॉइंट है और वो मूवेबल स्ट्रिप के साथ मूव करते हैं, इस वजह से this length AB would be equal to length PQ would be equal to length RS. इस बात को नोट करना चाहिए, this length PQ would be equal to length AB would be equal to length RS. इस बात को समझे, मैं फिर वापस एक और बार इस वर्नियर कैलिपर को उठाता हूं, इस वर्नियर कैलिपर में इस समय पर लोअर जॉ के बीच में
जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द टू अपर जॉ एंड दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस टेल. द लेंथ ऑफ टेल इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द लोअर जॉ इज इक्वल टू द स्पेस बिटवीन द अपर जॉ. मतलब हम एक ही सेटअप से एक साथ लेंथ भी मेजर कर पाएंगे, इंटरनल डायमीटर भी और डेप्थ भी. अब एनीवे जो मैं बताना चाह रहा था उस पर आता हूं. दिस इज द फिक्स्ड स्केल, फिक्स्ड स्टील स्टेप है एंड वी कॉल इट मेन स्केल. दिस इज कॉल्ड मेन स्केल. दिस इज कॉल्ड मेन स्केल एंड दिस मेन स्केल इज जनरली ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर. इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रूलर. जो हमारे पेंसिल बॉक्स में स्केल होती है बिल्कुल वैसी की वैसी ही यह स्केल है. इट्स ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स इन अ सिमिलर मैनर. हियर वील हैव जीरो जीरो ऑफ मेन स्केल, देन 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8, 9 एंड दिस 10 मिलीमीटर 1. इस तरीके से मेन स्केल मिलीमीटर्स में ग्रेजुएटेड होती है और सेंटीमीटर्स में ग्रेजुएटेड होती है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस ग्रेजुएशन इन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर. ये बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी आपकी स्केल होती है. खास बात अपोजिट साइड में इंचस में ही ग्रेजुएशन होता है with 20 divisions of each inch. Although inch का हम इस्तेमाल जैसे मैंने कहा नहीं करते हैं, हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैं मिलीमीटर और सेंटीमीटर पर ही फोकस करूंगा. दिस इज मेन स्केल और इस मेन स्केल पर जो भी ऑब्जर्वेशन हम नोट डाउन कर रहे हैं वी कॉल इट मेन स्केल रीडिंग. इस मेन स्केल पर हम जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग. जब यह दोनों जॉ ए और बी साथ में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस जीरो होती है, उस समय पी और क्यू भी बिल्कुल जुड़े हुए होंगे. देखिए मैं दिखाता हूं. जब हम इन दोनों जॉ को जोड़ देंगे तो P और Q भी जुड़ जाएंगे. नीचे के दोनों जॉ मिल गए और अपर पॉइंट P और Q भी मिल गया और पीछे टेल भी जीरो हो गई. और जैसे जैसे हम लोअर जॉ के बीच में स्पेस बढ़ाएंगे इधर टेल भी बढ़ती चली जाएगी और ऊपर अपर जॉ के बीच में स्पेस भी बढ़ता चला जाएगा. अब इसके बाद ये तो मेन स्केल और मेन स्केल रीडिंग हुई. ये जो मूवेबल स्ट्रिप है, ऑन दिस मूवेबल स्ट्रिप वी ऑब्जर्व अनदर स्केल, अनदर ग्रेजुएशन, अनदर मार्किंग. वी कॉल देम वर्नियर स्केल.
वर्नियर स्केल कैसी दिखती है जरा उसको भी मैं दिखाता हूं। मैं वर्नियर स्केल ऊपर ड्रॉ करता हूं, फिर इसके बाद इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा। वर्नियर स्केल का जो सिचुएशन है वह मैं इधर दिखा रहा हूं। दिस इज द मूवेबल स्ट्रिप, यह मूवेबल स्ट्रिप है विथ अटैच्ड टेल टू इट, इस तरह से। दिस इज अ मूवेबल स्ट्रिप एंड ऑन दिस मूवेबल स्ट्रिप वी ऑब्जर्व अ हॉलो स्पेस लाइक दिस। अब इसके ऊपर हमको वर्नियर स्केल दिखती है, किस तरह की दिखती है जरा देखें। वंस अगेन 10 डिविजन्स मार्क्ड ऑन इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 डिविजन्स इस पर मार्क्ड दिखते हैं। दिस स्केल इज टर्म्ड एज वर्नियर स्केल, इस स्केल को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। एंड दिस डिविजन्स आर टर्म्ड एज वर्नियर स्केल डिविजन्स, नाउ दिस इज टर्म्ड एज वर्नियर स्केल। यह जो है वर्नियर स्केल है, और इन वर्नियर स्केल के बीच में यह जो ग्रेजुएशन है, जो मार्किंग है, जो डिविजन्स है, इन्हें हम कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। अब जो खास बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है वो यह होती है, किसी भी वर्नियर कैलिपर में इफ देयर आर एन डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, जैसे इधर 10 डिवीजन है जो सबसे स्पेशल बात होती है, दैट इज 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। लेट मी जनरलाइज दिस कंसेप्ट, किसी भी वर्नियर कैलिपर में n वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज इक्वल टू n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन। ये किसी भी वर्नियर कैलिपर में खास बात होती है, और इसी वजह से कैसे होता है समझाऊंगा, ये जो खास कंसेप्ट है इसी वजह से वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1/10 मिलीमीटर हो पाता है या 1/20 मिलीमीटर हो पाता है। यही खास लॉजिक है। वर्नियर किसी भी वर्नियर कैलिपर में यदि वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन है, then that 10 division of vernier caliper would be equal to 9 divisions of main scale, और vernier scale पर यदि 20 divisions होंगे, then 20 vernier scale division would be equal to 19 main scale division. Let me generalize, if vernier scale have got n division, then n vernier scale division would be always equal to n minus 1 main scale division. ये सबसे खास बात होती है।
किसी भी वर्नियर कैलिपर्स में। अब ऐसा होने से क्या होता है जरा देखिए, जब हम दोनों जॉ को ज्वाइन कर दें, लोअर जॉ और अपर जॉ ज्वाइन हो जाए, टेल भी जीरो हो जाए, लेंथ ए बी जीरो, लेंथ पी क्यू जीरो, लेंथ आर एस जीरो, तब मेन स्केल डिवीजन का जीरो और वर्नियर स्केल डिवीजन का जीरो ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल ओवरलैप करेंगे, दोनों रीडिंग जीरो हो जाएगी। वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो इस तरीके से इधर कहीं दिखेंगे, यह मेन स्केल इधर चलती रहेगी, और मेन स्केल के ग्रेजुएशन 0, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, यह मेन स्केल दिखेगा और इसके ऊपर इधर वर्नियर स्केल दिखते, वर्नियर स्केल डिविजन दिखते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस हॉलो स्पेस से आपको मेन स्केल दिखती है और इसके ऊपर आपको वर्नियर स्केल दिखती है, इसके अंदर से आपको मेन स्केल दिखेगी और इसके ऊपर आपको वर्नियर स्केल दिखेगी। व्हेन टू जॉ आर जॉइंड, व्हेन गैप इज जीरो, ए बी इज जीरो, पी क्यू इज जीरो, तब मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल का जीरो ओवरलैप करेंगे। और खास बात, वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन के साथ में ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। देखिए जरा क्या स्थिति दिख रही है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ में ओवरलैप कर रहा है और वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन के साथ में कोइंसाइड करता हुआ, ओवरलैप करता हुआ आपको दिखेगा। और खास बात, इसके बीच में जितने भी डिवीजन से वो कोई सा भी डिवीजन मेन स्केल के साथ में ओवरलैप नहीं करेगा। दिस फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, बीच में कोई सा भी डिवीजन आपको मेन स्केल के साथ में ओवरलैप करता हुआ नहीं दिखेगा। और एक खास बात, ये तो जब जीरो जीरो ओवरलैप हुए तब, बाकी किसी भी सिचुएशन में यदि हम देखेंगे, एट एनी टाइम एनी वन एंड ओनली वन वर्नियर स्केल डिवीजन वुड ओवरलैप एनी वन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी कि या तो यह सिचुएशन है, आइदर आइदर 0 एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ओवरलैप विथ 0 और या तो वर्नियर स्केल का जीरो 10th डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के साथ ओवरलैप करेगा, और इन एनी अदर सिचुएशन वन एंड ओनली वन वर्नियर स्केल डिवीजन वुड ओवरलैप विथ एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन, वन एंड ओनली वन वर्नियर स्केल डिवीजन
ओवरलैप विथ एनी मेन स्केल डिविजन. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन ऑफ वर्नियर कैलिपर. और इसी सिचुएशन की वजह से हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा एक्यूरेटली 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर पाते हैं. इसी सिचुएशन की वजह से वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 1/10 मिलीमीटर हो पाता है. अब इसी बात को हम देखेंगे और समझेंगे किस तरह से. पहले यह सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए. मैं एक और बार वर्नियर कैलिपर को रीड्रॉ भी करूंगा और इसमें मेन स्केल वर्नियर स्केल इन दोनों सिचुएशंस को समझाऊंगा. वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा इंटरेस्टिंग कुछ पैरामीटर डिफाइन करूंगा, वर्नियर कांस्टेंट और प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करूंगा. प्लीज नोट इट डाउन. लेट्स कंटिन्यू अबाउट वर्नियर कैलिपर्स. अभी तक जो मैंने वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया, मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, यह बात मैंने बताई. कुछ स्पेशल वर्नियर कैलिपर में 1 सेंटीमीटर के बीच में 20 डिवीजन भी हो सकते हैं और वहां पर मेन स्केल डिवीजन 1/20 सेंटीमीटर भी हो सकता है. 1/20 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मिलीमीटर भी हो सकता है, बट दैट इज स्पेशल वर्नियर कैलिपर. हम जनरल वर्नियर कैलिपर पहले समझ लेते हैं. वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड वी हैव गॉट वर्नियर स्केल डिवीजन एंड एन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन. इन जनरल वर्नियर कैलिपर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन और 9 मिलीमीटर. नाउ फॉर वर्नियर कैलिपर, फॉर एनी वर्नियर कैलिपर, वी यूज टू डिफाइन अ टर्म कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट. किसी भी वर्नियर कैलिपर के लिए हम वर्नियर कांस्टेंट एक टर्म डिफाइन करते हैं एंड दिस वर्नियर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. वर्नियर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. खास बात, इट्स ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर एनी वर्नियर कैलिपर. किसी भी वर्नियर कैलिपर के लिए यह जो होता है डिफरेंस मेन स्केल डिवीजन का वर्नियर स्केल डिवीजन का, यह बिल्कुल फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है. इसीलिए हम इसे वर्नियर कांस्टेंट कह रहे हैं. एंड वी कैन ऑलवेज डिटरमाइन इट. जरा देखिए हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. मैं जनरलाइज यह एक्सप्रेशन लेता हूं. यह जनरलाइज एक्सप्रेशन लेता हूं और इधर मैं देखता हूं कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन, फ्रॉम दिस जनरलाइज एक्सप्रेशन आई विल से वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1/n मेन स्केल डिवीजन. यह बात मुझे दिख रही है. n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन. देयरफॉर यूनिटरी मेथड, वन वर्नियर स्केल डिवीजन वुड बी इक्वल टू n-1/n मेन स्केल डिवीजन. और मैं इस कंसेप्ट को इधर लगा देता हूं. वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 msg - n-1/n msg. वर्नियर स्केल, वन वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह यह टर्म रख दी. लेट मी सिंप्लीफाई इट. वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 1 - 1 - 1/n msd.
MSG 1 माइनस n अपॉन n 1 हो गया 1 बाय n. दिस इज इक्वल टू वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय n. MSD 1 7 कैंसल्ड. वर्नियर कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय n मेन स्केल डिवीजन. And interestingly, I'll say that this vernier constant is always equal to least count. यह जो होता है यह least count होता है. क्यों होता है, कैसे होता है, यह सब चीज मैं समझाऊंगा. अभी सिर्फ इतनी बात बोलता हूं कि किसी भी vernier caliper के लिए जो vernier constant होता है वही least count होता है. वर्नियर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी. वर्नियर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एन एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू least count, least count of that vernier calipers. सबसे पहले इसे सुन लो, दिमाग में बैठा लो, रट लो और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, काहे को होता है. वही चीज अभी हम आगे के लेक्चर में समझेंगे. इसे नोट डाउन करो. मीन्स किसी भी जनरल वर्नियर कैलिपर के लिए जहां n 10 वर्नियर स्केल डिवीजन फॉर जनरली अवेलेबल वर्नियर कैलिपर्स, जो वर्नियर कैलिपर आपको जनरली मिलते हैं n VSD is equal to 9 MSD or 9 millimeter or in vernier calipers generally available vernier caliper के लिए vernier constant होएगा 1 MSD minus VSD and it's equal to 1 by 10 millimeter and this equal to least count generally available vernier calipers के लिए. यह होता है हमेशा. कुछ special vernier caliper ऐसे भी मिलेंगे, special vernier calipers जिसमें 1 centimeter वुड बी इक्वल टू 20 divisions एंड 20 मेन स्केल डिवीजन. कुछ स्पेशल वर्नियर कैलिपर ऐसे भी मिलेंगे जिसमें 1 centimeter में 20 divisions होंगे, जिन्हें हम 20 मेन स्केल डिवीजन कहेंगे. और इनमें हम यह भी देखेंगे 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन. इसमें कैपिटल एन की वैल्यू 20 कही जाएगी. इन वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर कांस्टेंट होगा 1/20 मिलीमीटर. लीस्ट काउंट होगा 1/20 मिलीमीटर. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ आपको इस तरह के स्पेशल वर्नियर कैलिपर्स के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाकर दिया जाएगा. स्पेशल वर्नियर कैलिपर जिसमें 1 centimeter में 20 डिविजन्स होंगे, 1 centimeter ऑन मेन स्केल, ऑन मेन स्केल.
इज इक्वल टू 20 डिवीजन, वी कॉल इट 20 मेन स्केल डिवीजन, और इसमें 20 वर्नियर स्केल डिवीजन वो 19 मेन स्केल डिवीजन के बराबर देखेंगे, तो कैपिटल एन की वैल्यू 20 कही जाएगी और वर्नियर कांस्टेंट होगा 1/20 मिलीमीटर और 1/20 सेंटीमीटर. दिस इज द लीस्ट काउंट. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विथ वर्नियर कैलिपर्स. मैं समझाता हूं खास बात. अभी मैंने यह नहीं समझाया है कि किस तरह से यह जो वर्नियर कांस्टेंट है यह लीस्ट काउंट हो गया, यह नहीं समझाया अभी मैंने. बस अभी मैंने वर्नियर कांस्टेंट डिफाइन कर दिया. वर्नियर कांस्टेंट कैसे डिफाइन करा कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस इज वर्नियर कांस्टेंट. मैंने यह कह दिया कि यह जो एक्सप्रेशन है, यह जो वैल्यू आएगी, यह किसी भी वर्नियर कैलिपर के लिए एक फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू होगी. क्या होगी वह भी डिटरमाइन करके बता दिया. किसी भी वर्नियर कैलिपर के लिए जो वर्नियर कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि अधिकतर वर्नियर कैलिपर्स में सभी वर्नियर कैलिपर्स में एन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज इक्वल टू एन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन. So, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन वुड बी इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन. तो मैंने वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह एन माइनस 1 अपॉन एन मेन स्केल डिवीजन रख दिया. मेन स्केल डिवीजन बाहर आया 1 माइनस, इसे मैंने रीराइट करा 1 माइनस 1 बाय एन मेन स्केल डिवीजन. इस ब्रैकेट को ओपन करा 1 माइनस 1, यह माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाय एन. सो वर्नियर कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय एन कैपिटल एन मेन स्केल डिवीजन. कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन इधर से आ रहा है. द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, दिस इज 1 बाय एन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लीस्ट काउंट. यह जो वर्नियर कांस्टेंट है यह लीस्ट काउंट के बराबर होता है. वर्नियर कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू लीस्ट काउंट. It is always equal to 1 by n. It is always equal to main scale division minus vernier scale division. यह final यह जो expression है, मैं इसे star mark कर रहा हूं. इसे रट लेना चाहिए. और इसे ही समझाने की मैं कोशिश करूंगा मेरे कल के लेक्चर में. आज के दिन मैं इतना ही करता हूं. कल के दिन मैं इसी चीज से कंटिन्यू करूंगा, यही चीज समझाऊंगा कि क्यों वर्नियर कॉन्स्टेंट लीस्ट काउंट के बराबर है और किस तरीके से वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट करा जाता है. जो जनरली अवेलेबल वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, जैसे जो मेरे पास इस समय पर है, दिस वर्नियर कैलिपर, इट हैव गॉट 10 वर्नियर स्केल डिवीजन और इसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वह 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है या 9 मिलीमीटर के बराबर है. इसका वर्नियर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू एमएसजी माइनस वीएसजी इज 1/10 मिलीमीटर और 1/20 सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, मैंने ठीक लिखा था यार, फिर वापस करेक्ट करो उसको. 1/20 दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ जनरली अवेलेबल वर्नियर कैलिपर जो मेरे हाथ में भी है मिलता है, और कुछ स्पेशल वर्नियर कैलिपर कुछ स्पेशल केसेस में जहां पर और भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए वहां पर कुछ स्पेशल वर्नियर कैलिपर बनाए जाते हैं जहां 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन होते हैं, 20 मेन स्केल डिवीजन होते हैं, एक एक मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर के बराबर होता है और 20 वर्नियर स्केल डिवीजन वहां 19 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं. कैपिटल एन की वैल्यू 20 होती है. वर्नियर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इज 1/20 मिलीमीटर. आज इतना ही करते हैं. कल के दिन हम कंटिन्यू करेंगे
हाउ वी डू मेजरमेंट विथ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स के साथ मेजरमेंट किस तरह से करा जाता है इस बात को समझेंगे, हाउ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू दिस वर्नियर कॉन्स्टेंट इस बात को समझेंगे, और साथ में वर्नियर कैलिपर्स के साथ में जीरो एरर क्या होता है, कैसे होता है, एंड हाउ डू वी करेक्ट जीरो एरर। विद दैट पॉइंट विल कंटिन्यू अवर लेक्चर टुमारो। गुड बाय, गुड डे, थैंक्स फॉर टुडे।